हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपनी ब्रेस्ट की सैगिनेस को खत्म करना चाहते हैं तो आज की मेरी ये कुछ टिप्स और ये एक्सरसाइज जरूर फॉलो करें। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप 16 या 17 के भी हो चुके हैं तो भी आपको ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप 40 की है तो भी। प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा हमारी ब्रेस्ट सैगिनेस की समस्या आ जाती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, तो उसको इन एक्सरसाइज के थ्रू हम इजिली उसको खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और जो टिप्स बताने वाली हूँ उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, तो आपको विद इन अ मंथ बहुत ह्यूज डिफरेंस फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको लेने हैं थोड़े हेवी डंबल्स ताकि वेट आ सके। आपको इस तरीके से उनको ज्वाइन करना है, देन बैक करना है। इससे आपकी ब्रेस्ट जो है वो लिफ्ट होगी और उसकी सैगिनेस बिल्कुल खत्म होगी। आपको करने हैं 10 रैप्स और उसके करने हैं 3 सेट। ऐसा आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रेगुलर, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करती कोई एक्सरसाइज, आप डिफरेंट बॉडी पार्ट पे काम करेंगे तो वो एक्सरसाइज भी वर्क करेगी और उससे मिलने वाला बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। सपोज आपने आज करी तो नेक्स्ट डे स्किप करके उसके नेक्स्ट डे करें, मतलब वीक में आप 3 दिन भी करेंगे तो भी विद इन अ मंथ आपको ह्यूज डिफरेंस फील होगा अपने अंदर। तो यहाँ पर हमारे 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए आप कोई भी, अगर आपके पास डंबल नहीं तो कोई वेट है तो आप उसको ले सकते हैं, बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि डंबल ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं और इजीली आप मार्केट से इनको ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से काम भी आते हैं, अगर आपका मसल फैट है, बैक फैट है, उसके लिए भी काम आते हैं। आपको एक डंबल लेना है, बैक देन फ्रंट, स्लाइटली सा आपको 1-2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। पूरा अपनी बॉडी को आगे लेकर आना है और पूरा ही स्ट्रेच करना है। इससे आपके ब्रेस्ट पे इसका इफेक्ट जाएगा, वहाँ की सैगिनेस खत्म होगी, आपकी मसल टोन होगी। आपको करने हैं इसके 10 रैप्स और 10 रैप्स के आपको करने हैं 3 सेट। यहाँ पर हमारे 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं, आपको कंटिन्यूटी में करने हैं। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आपको मैं सेट्स वैसे बता देती हूँ, करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको बिल्कुल फ्लो में करना है। उस मसल पे आपको कंटिन्यूस इफेक्ट डालना है। बीच में अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपके वो मसल दोबारा से रिलैक्स हो जाती है और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा, कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करिएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से हैंड्स रखने हैं, पुशअप्स करने हैं। अगर आप प्रॉपर पुशअप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से लेग को फोल्ड करके अपनी बॉडी को आगे लेके जाके कम से कम आपको 10 रैप्स करने हैं और उसके करने हैं 3 सेट। यहाँ पर आपके 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं तो इन तीनों चीज़ों को, यानी इन 3 एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करेंगे। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जब आप करेंगे तो आपके सामने उसका रिजल्ट होगा, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते कि इसका रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। टिप आप फॉलो कर लेते हैं। टिप हमें क्या फॉलो करनी है कि एक चीज़, आपने अगर आप 16 है, 15 है, या गर्ल्स के लिए स्पेशली, आपको स्किपिंग नहीं करनी। स्किपिंग करने से क्या होता है, जब हम स्किपिंग करते हैं तो ग्रेविटी इफेक्ट हमारा डाउन की तरफ जाता है। अगर हम स्किपिंग कर रहे हैं, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगता है लेकिन ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ पुश करती है, जिससे आपकी ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर आप
वेट लूज के लिए या स्टेमिना बिल्डअप के लिए स्किपिंग करना चाहते हैं तो मंथ में आप 3 बार कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्किपिंग मत करिएगा, नहीं तो आपको ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी फेस करनी पड़ेगी। और स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप स्किपिंग करें भी। अब बारी आती है टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में हमें क्या फॉलो करना है, हमें गारमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। आपने अच्छे वाले स्पोर्ट्स गारमेंट हमेशा वेयर करने हैं। अगर आप नॉर्मल वेयर करते हैं उससे आपकी ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको लिफ्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता जाता है। तो आप एक अच्छे ब्रांड को रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो बाकी आप ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करें। तो ऐसे हमेशा कुछ नया चाहते हैं तो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। तो ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन होती है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी अपनी बॉडी को शेप में ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।